जे जदों एफ आई आर हुई है तो उदों इहदी जिहड़ी इनवेस्टिगेशन प्रॉपर क्यों नहीं हुई। जुडिशियल ऑर्डर हैगा, कोर्ट ने सानू डायरैक्ट किया एक पर्टिकुलर डेट पर, तो उस दिन सानू पेश होना चाहिए सीगा, क्योंकि ऑर्डर की वायलेशन तो हैगी है। अज जिवें कहिंदे बहस है, जमानत के उपर बहस होनी है, की लगता भी बहस किन्ना समा चल सकती है, तो बहस के विच की जमानत मिल जूगी? मजीठिया जिहड़ा हैगा इट इज़ नॉट ए समॉल नेम, एक पोलिटिकल फेस है वो, तो ये पिछे कितने ना कितने पॉलिटिक्स भी इनवॉल्व है। असं नहीं कह सकते भी ये भी दो चार महीने की गल है, 16 साल बाद इन्हों जी जिस आधार पर इन्होंने प्रोसीक्यूशन ने इंडक्ट किया उस एफ आई आर च मजीठिया, एड्डी वड्डी लेवल पर ड्रग डील्स चल रही हैं तो वो इन्हों पास ओवर कर रही सी, तो कितने ना कितने तो फिर एजेंसियां भी इनवॉल्व होनी इन्हों के नाल। भोला अंदर जेल के है तो किवें लगता बिक्रम मजीठिया का बहुत हवा बनी हुई सी? नवजोत सिद्धू भी कहता बिक्रम मजीठिया जेल जाएगा, ये ड्रग बेचते हैं। एक एडा वड्डा पोलीटिकल लीडर एड्डी वड्डे ड्रग्स के डील कर रहा है, वो सरकारों के भी बैठे हैं, जित भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, तो जिहड़ियां एजेंसियां अपने कन्न मूँह नक् सब बंद करी बैठे से अगे हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट के जो बेल फाइल करते हैं तो वो एक महीने तक का तो नोटिस होंगे ही होंगे, फिर उन्होंने महीना होर अंदर लेना पे। बिक्रम मजीठिया जो कि ड्रग मामले में लैके उन्होंने उपर परचा होया सीगा, बहुत करोड़ी सिंथेटिक ड्रग मामले में लैके कुछ दिन पहला परचा होया सी, जिस तो बाद मोहाली की जिला अदालत वालों उन्हों की जी की अगाऊ जमानत है वो रद्द की गई थी। उस तो बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, हाईकोर्ट तो बाद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाके कुछ दिनों वास्ते राहत मिली सी। राहत मिलने तो बाद कल, क्योंकि परसों जिहड़ा कि 23 फरवरी का आखिरी दिन सीगा, तो कल बिक्रम सिंह मजीठिया वालों मोहाली की अदालत के सरेंडर कर दिया गया आ, तो अज उन्हां दी जो कि जमानत है वो उपर सुनवाई होनी सी 11 बजे तो बाद। सारे तो गलबात करांगे कि बिक्रम मजीठिया की जिहड़ी निर्धारित डेट सीगी, जिहड़ा उन्हां नूं 23 फरवरी तक का समा सीगा, उन्होंने उस दिन क्यों नहीं सरेंडर किया? साढ़े नाल ने सीनियर एडवोकेट रविंदर सिंह बासी जी। बासी साहब किवें देखते हो बिक्रम सिंह मजीठिया ने पहला तो बहुत वड्डी गल कहिंदे सामने आ रही है 23 तरीक नूं उन्हां नूं सरेंडर करना चाहिए सीगा, की लगता कोई इफेक्ट पाऊगा? देखो जो जुडिशियल ऑर्डर हैगा, कोर्ट ने सानू डायरैक्ट किया एक पर्टिकुलर डेट पर, तो उस दिन सानू पेश होना चाहिए सीगा, क्योंकि ऑर्डर की वायलेशन तो हैगी है, तो हुण उहदे च उहनां ने कोई एग्जम्पशन एप्लीकेशन मूव की हुई, उहदे च कोर्ट की रिलीफ दिंदा वो आपां कोर्ट के उत्ते डिपेंड करता, पर यह एक बहुत वड्डा लीगल फ्लॉ तो है ही है कि जदों तुहानू एक पर्टिकुलर डेट सुप्रीम कोर्ट ने डायरैक्ट किया कि तुसी उस डेट नूं जाके पेश होना है तो सरेंडर करना है, तो आप नहीं आते तो कितना कितने लीगल प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। किवें लगता भी जिवें कहिंदे आ भी सिंथेटिक ड्रग केस है, NDPS का केस है, ये जमानत मिलनी बहुत औखी होंगी है, हुण सरेंडर कर दिता बिक्रम मजीठिया ने जेल ने पटियाला जेल के लगता कि बाहर आ सकनगे, कदों आ सकनगे? गल ऐ भी जो प्रोसीक्यूशन की स्टोरी की है NDPS दे विच की हुंदा है भी जे तां डायरैक्ट थोड़े को रिकवरी है, रिकवरी होंगी है, तो सैकेंडली होंगे कि अगे थोड़े अगेंस्ट कोई एविडेंस आता है, क्योंकि ये जरा केसिज है, क्योंकि मजीठिया जोड़ा हैगा इट इज़ नॉट ए समॉल नेम, एक पोलिटिकल फेस है वो, तो ये पिछे कितने ना कितने पॉलिटिक्स भी इनवॉल्व है। सो इस करके मैं लगता कि कोर्ट्स न ये डिसाइड करते हुए सारा कुछ ही देखा जाता बेल वास्ते, तो जे पोलीटिकल इंटरफेरेंस ना हुई तो मेरे ख्याल बेल मिलनी चाहिए। अकाली दल वाले होर लीडर तो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं भी पोलीटिकल वेंडेटा विरोधी पार्टियां ने कराया, DGP उन्होंने लवाया सीगा, 16 साल बाद आके जिहड़े केस दे विच पहला वो मतलब उन्होंने कोई नाम नहीं सीगा, 16 साल बाद आके झूठा परचा कर दिता गया, भी पोलीटिकल वेंडेटा दस रहे हैं? बिल्कुल ही पोलीटिकली वेंडेटा है, क्योंकि जे जदों ये एफ आई आर हुई है तो उदों इहदी जिहड़ी इनवेस्टिगेशन प्रॉपर क्यों नहीं हुई, थोनू 16 साल बाद थोनू लीड मिलती है कि इहदे च मजीठे इनवॉल्व है। 16 साल कोई थोड़ा समा नहीं है, असं नहीं कह सकते भी ये भी दो चार महीने की गल है, 16 साल बाद इन्हों जी जिस आधार पर इन्होंने प्रोसीक्यूशन ने इंडक्ट किया उस एफ आई आर च मजीठिया, तो ये क्लीयर कट पोलीटिकल वेंडेटा तो ये दिखी रहा है। तो अज जिवें कहिंदे बहस है, जमानत के उपर बहस होनी है, की लगता भी बहस किन्ना समा चल सकती है, तो बहस के विच की जमानत मिल जूगी? देखो अज आर्गूमेंट्स हैं, आर्गूमेंट्स हुण जिहड़े भी उत्थे लॉयर्स इंगेज किए हुए हैं डिपेंड करता भी वो आर्गूमेंट्स एट लेंथ किन्नी करते हैं, तो की ग्राउंडस लैंदे हैं,
तो मोस्ट प्रॉबली अज शाम तक ऑर्डर आ जाएगा जो भी है। तो किवें लगता बसी साहब बहुत वड्डे मतलब सवाल खड़े होंगे ने जो किसी पोलीटल बंद के उपर यह इल्जाम लगन ज पोलीटल बंद का पिछे कित हथ नज़र आए किमें लगता भी थोड़ा मतलब की सुझाव आ भी जिमें ज कहते जगदीश भोले ने भी साफ शब्दों से नाम लिया कि बिक्रम सिंह मजीठिया दे भी तार साढ़े नाल जुड़े हुए ने वो खुद भोला अंदर जेल दे विच है तो किमें लगता बिक्रम मजीठिया का बहुत हवा बनी हुई सी नवजोत सिद्धू भी कहता सीगा बिक्रम मजीठिया जेल जाएगा ये ड्रग बेचते हैं। देखो हिंदुस्तान की जिहड़ी पॉलिटिक्स है एट लो लेवल ते है इस टाइम तो लीडरस के उत्ते 376 की कंप्लेंट्स ड्रग नाल जुड़ना ईडी तुम हर रोज़ देखते हो भी जी ईडी है वो किसी ना किसी लीडर के घर किसी ना किले पोलीटिकल बंदे दे कर ट्रेड्स होंगे है तो जिहड़ा पोलीटिकली एक इंटरफेरेंस जी हो गई है सारे दे विच ये मतलब बहुत ही खतरनाक है कि हुण अज असी देख रहे हैं भी अज मजीठिया एक इन्होंने ड्रग लॉर्ड बनाता भी बहुत वड्डा ड्रग नाल डील करता तो 16 साल तक हिंदुस्तान दीयां इन्नियां एजेंसियां एक एजेंसी नहीं है गवर्नमेंट कोल किन्नियां एजेंसियां कि सारियां दी अखां मिटियां होईयां सी भी एड्डी वड्डी लेवल ते ड्रग डील्स चल रही हैं ते ओ इन्हां नूं पास ओवर कर रही सी ते किते ना किते तां फिर एजेंसियां भी इनवॉल्व होणगियां इन्हां दे नाल क्योंकि जे तुसीं कोई भी इलीगल कम करदे हो एक मिनट दे विच पुलिस नहीं सीबीआई ईडी किन्ने तरह दी एजेंसियां इत्थे कम कर रही इंटैलीजेंस एजेंसियां किन्नियां आईयां इहदा मतलब ये सारा स्टेट का फेलियर है कि एडा वड्डा पोलीटिकल लीडर एड्डी वड्डी ड्रग्स दे विच डील कर रहा है वो सरकारां दे विच भी बैठे हैं जित भी रहे हैं हार भी रहे हैं तो जिहड़ियां एजेंसियां अपने कन्न मूँह नक्क सब बंद करी बैठे से तो कितने कितने पोलीटिकल वेंडेटा है। बासी साहब ये किवें देखते हो भी जिवें कहिंदे भी हुण आने वाला समय आ कि हुण अज जमानत इन्हां नूं मिल जूगी जे नहीं मिलदी तो बिक्रम मजीठिया नूं किन्ना समा जेल दे विच रहना पऊगा। देखो जे अज नहीं जे अज इन्हां दी बेल दे उत्ते जे अज बेल एप्लीकेशन डिसाइड हुंदी है जे नैगेटिव हुंदी है या डिसमिस हुंदी है तां इहनां कोल राइट है अगे हाईकोर्ट का हाईकोर्ट के जदों बेल फाइल करते हैं तो उहदे विच एक महीने तक का तो नोटिस हुंदा ही हुंदा तो फिर उन्होंने महीना कोर अंदर लैना पेगा। सो देखना यह होएगा कि अज जिवें बिक्रम मजीठिया दे केस दे उपर जमानत दे उपर बहस है किन्ने समा बाद अज शाम तक क्लीयर हो जाएगा कि उन्हां नूं जमानत मिलदी है कि नहीं किन्ना समा उन्हां नूं होर जेल दीयां रोटियां जो कि खाणियां पैणगियां। दस दईए कि बीते दिन ही बिक्रम सिंह मजीठिया नूं पहला संगरूर जेल भेजा गया सीगा उस तों बाद करोना नूं लैके उन्हां नूं रात दे समय पटियाला जेल शिफ्ट कर दिता गया सीगा। आने वाले समय च पता लगेगा कि बिक्रम सिंह मजीठिया नूं जमानत मिलदी है कि नहीं। कैमरामैन रवि दे नाल हरजीत मठाड़ू D5 चैनल पंजाबी मोहाली। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी किवें बनदी है वसीयत जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद दा।